तो आज हम जानेंगे चेन कन्वेयर के बारे में। तो चेन कन्वेयर भी ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम होता है जिसमें कोई भी मटेरियल अगर सपोर्ट के दौरान रखा जाता है तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। इसमें चेन के साथ साथ क्या होता है, थोड़ी दूरी पर एक हाइट्स लगी होती है। जब चेन रोटेट करती है या आगे चलती है तो कोल हाइट्स के द्वारा कन्वेयर के एक छोर से दूसरे छोर तक कोल खिसक कर या कोई भी मटेरियल होता है वो आगे पहुंच जाता है। यह बहुत लंबे नहीं होते पर इनकी हाइट जो है कुछ मीटर से 300 मीटर तक हो सकती है। लॉन्ग वॉल माइनिंग में प्रायः लंबे और अधिक कैपेसिटी वाले चेन कन्वेयर का ही यूज किया जाता है। इसकी हाइट कम होती है। चेन कन्वेयर का गुण ये होता है कि अगर इसके अपनी कंस्ट्रक्शन में अपन चेंज कर देते हैं तो यह अपेक्षाकृत बहुत हाई स्पीड के साथ भी वर्क कर सकता है। इसके दो अवगुण भी होते हैं कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी का जो रेशियो होता है वो बहुत भारी हो जाता है। क्यों? अगर हम चेन एक साथ कई सारी कनेक्ट कर देंगे तो चेन भी हैवी हो जाएगी, चेन हैवी हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन रेशियो जो रहता है उसका भार जो है क्या होता है बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा ये है कि पैन और चेन कन्वेयर में पैन और चेन दोनों लगी होती है और पैन और चेन दोनों चलने के कारण एक साथ पैन और चेन दोनों ही घिस जाते हैं। इसके कारण जब ये चेन अगर घिस जाती है तो हमको उस चेन को या तो बदलना पड़ता है या नए लगाने पड़ते हैं। तो अब हम जानेंगे चेन कन्वेयर जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्क्रेपर चेन कन्वेयर, दूसरा होता है आर्मे रॉड चेन कन्वेयर। इसको अपन सेकर कन्वेयर और फाइटोम कन्वेयर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसकी, स्क्रैपर चेन कन्वेयर की। यह कन्वेयर क्या होता है, लगभग 2 मीटर लंबी ट्रफ को नट बोल्ट से जोड़कर बनाया जाता है। इसमें एक इंडलेस चेन होती है, बेल्ट कन्वेयर में एक इंडलेस बेल्ट होता है, इसमें इंडलेस चेन होती है जिसके नीचे कुछ दूरी पर 3-4 कड़ियां होती, चेन की कड़ी लगी रहती है। और 3-4 कड़ियों के बाद क्या होता है, एक हाइट लगी रहती है। आपने देखा होगा सपोर्ट के साथ में उसमें एक हाइट लगी रहती है। इन ट्रप्स को एंगल आयरन के फ्रेम में बैठाया जाता है और फ्रेम के साथ साथ क्या होता है, नट बोल्ट को भी कसा जाता है। ये जो फ्रेम होते हैं, ये जो एंगल आयरन के फ्रेम होते हैं, ये क्या होते हैं, फर्श से होकर टच होकर चलते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, चैन और पैन दोनों घिस जाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, इसमें जो हाइट लगी होती है चेन 3-4 कड़ियों के बाद जो हाइट लगी होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया चेन कन्वेयर के इंट्रोडक्शन में, उसकी जो हाइट होती है वो जो होता है ऊपर की ओर 300 से 450 mm क्या होता है चौड़ा होता है और नीचे की ओर 300 mm चौड़ाई होती है, ठीक है। इसमें एक इंडलेस चेन होता है जिसमें 3-4 कड़ियों के बाद हाइट लगी होती है। हाइट जो चेन से, जो फर्श से होकर चेन चलती है और जो उसकी हाइट होती है जो चेन में लगी रहती है वो 2 से 2.5 मीटर की होती है, ठीक है। कन्वेयर का आखिरी सिरा जो इस पॉकेट चेन के अंदर होता है वो क्या रहता है, टेलीस्कोप, उसमें एक टेलीस्कोपिक ट्रफ लगा होता है जिसके अकॉर्डिंग अपन टेंसिंग अरेंजमेंट को, ये जो टेंशन होती है रेल की जो टेंशन होती है उसको अपन अरेंज करते हैं। इसमें क्या होता है जनरली, इसको जो है चेन कन्वेयर को अपन एक इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव करते हैं या चलाया जाता है। 15 से 20 हॉर्स पावर चेन की जो कन्वेयर होती है स्पीड कैपेसिटी होती है वो 30 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा दोस्तों, 15 से 20 हॉर्स पावर चेन कन्वेयर की स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड होती है। लगभग 50 मीटर हॉरिजेंटल सुपर इम्पोजिशन की कन्वेयर कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, 30 से 40 टन पर आवर कोल ट्रांसपोर्ट की होती है। मतलब ये क्या है कि अगर जब एक चेन का स्क्रैपर चेन कन्वेयर चलता है तो उससे हमें जो एक घंटे में जो कोल मिलता है वो 30 से 40 टन कोल मिलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरा है आर्मे रॉड या फाइटोन या क्या बोलते हैं सेकर चेन कन्वेयर की। यह जनरली इसका उपयोग अपन लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में करते हैं। इसकी कैपेसिटी जो होती है 100 टन पर आवर की होती है, ठीक है। इसकी जो चेन की स्पीड होती है 35 मीटर पर मिनट होती है। याद रखिएगा दोस्तों, जो स्क्रैपर चेन कन्वेयर की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 30 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि फाइटोन चेन कन्वेयर या सेकर चेन कन्वेयर की जो स्पीड होती है वो 35 मीटर पर मिनट होती है। ये इंडिया में कुछ ही कोल माइंस में यूज किए जाते हैं। ये सिंगल और डबल चेन के साथ दोनों के साथ फिट किए जाते हैं।
पैन की वर्टिकल एक्सिस 3 से 4 डिग्री होती है और हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है 2 से 3 डिग्री की होती है, 2 से 3 डिग्री की होती है। इसकी जो जनरल कैपेसिटी मैंने आपको बताई दिया 100 टन पर आवर होती है, और इसमें यूज होने वाली जो मोटर होती है वो जो चलती है वो 30 से 185 किलोवाट की होती है। थैंक यू।